बैग को, इस ग्रो बैग को टेम्परेरी बनाया हुआ है। ये कूलर का नीचे का वेस्ट मटेरियल है जो ख़राब हो गया था, उसको काट पीट के इसको छोटा सा क्यारी नुमा बना लिया है, जिसको हम देसी ग्रो बैग कह सकते हैं। अब इसको हमने इसमें खड़ा पत्ते डाल दिए हैं, जिससे मिट्टी कम लगेगी और ये आगे चल के उसी में सड़ के खाद बन जाएंगे। तो बगल में आप देख रहे हैं पॉली बैग, ये तैयार है और ये पत्ते इसमें डाल दिए गए हैं। अब इसमें पेपर की कटिंग है, जो पेपर ख़राब होते हैं उनको भी इस तरह से इसमें टुकड़े करके डाल देते हैं। पानी में गल के एक खाद का रूप ले लेते हैं और बाहर कचड़े से भी बचा जा सकता है, जो कचड़ा नालियों में जाएगा, यहाँ वहाँ फिरेगा, कचड़ा गंदा करेगा, उससे भी राहत। तो इसको मिट्टी से ढक दिया है, ये मिट्टी बनाई हुई है, इसमें पत्तों की खाद, केंचुए की खाद और गोबर की खाद ये सब मिलाया हुआ है। कंपोस्ट है। और ये कंपोस्ट देखिए किस तरह से तैयार हो रहा है। जी हो रहा है। ये किचन वेस्ट है जो इसको इस घड़ी में रख के उसको सड़ाते हैं, काला हो जाता है। इसमें बकरियों की लड़ी जो है डाल दी है और ये ऊपर से मिट्टी हम डाल रहे हैं। अभी एकदम तैयार हो गया है। निकल जाएगी मिट्टी में से, पहुंच जाएगी। बस ये मिट्टी सूखी हुई मिट्टी है, अच्छा नहीं, कम से कम 2-3 दिन सुखी मिट्टी ही लाना। रिचार्ज करी मिट्टी।